हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सूजी का बहुत ही टेस्टी नाश्ता। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये मज़ेदार और टेस्टी नाश्ता, जिसे हम सूजी और आलू के बॉल से बनाएंगे। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सूजी ली है, एक कटोरी सूजी ली है मैंने, और उसी के साथ मैं डाल देती हूँ एक कटोरी दही, और इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। पानी डालते जाएं और अच्छे से मिक्स करते जाएं। थोड़ा पानी और डालकर इसको अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तो फाइनली 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं सूजी हमारे अच्छे से फूल चुकी है और ये बैटर भी थोड़ा सा ठीक हो चुका है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसको मिलाएंगे, और उसमें मैंने डाल दी है थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया के पत्ते, और थोड़ी सी मैंने डाली है रेड चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च, और थोड़ा सा नमक डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करके रख देते हैं। तो बैटर हमारा तैयार हो चुका है, और अब हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 उबले हुए आलू, और उसमें मैंने एक छोटा प्याज कटा हुआ बारीक काट के डाल दिया है, और एक शिमला मिर्च काट के डाल दी है मैंने, इसको मैंने बारीक काट लिया है। उसके बाद मैंने डाला है यहाँ पे 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच काला नमक, और साथ ही मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, और इन सबको हम अच्छे से हाथ से मिला लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मसाला, जो आलू का मसाला है, वो बन के तैयार हो चुका है। और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देते हैं, और उसको फिर से हम अच्छे से मिला लेते हैं। और अब हम इस मसाले की इस तरह से छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। छोटी छोटी बॉल्स बनानी है इस तरह से, और इन सारे मसाले की हम इस तरह से बॉल्स बना लेंगे। बहुत इजी होता है इस तरह से बनाना। तो यहाँ पे मैंने बॉल्स बना के तैयार कर ली हैं, और अभी हम गैस पे रखेंगे एक अप्पा पैन, और उस पर हम थोड़ा सा घी या तेल जो भी है वो डाल देंगे। मैंने यहाँ पे घी डाला है, और उसके साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई। राई को हम चटकने देते हैं, और उसके बाद जो हमने ये बैटर तैयार करके रखा था उसको हम डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, आधा आधा चम्मच इसमें बैटर डाल देंगे। पूरा भर के नहीं डालना है, क्योंकि हम इसके अंदर बॉल्स भी डालेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। इस तरह से ये बैटर हम अप्पा पैन में डाल देंगे, और उसके बाद हम इसमें ये जो हमने आलू की बॉल्स बना के रखी थी वो डाल देंगे इसके ऊपर। इस तरह से सारे बॉल्स हम इसके अंदर डाल देंगे। तो इस बैटर के ऊपर हम ये सारे आलू की बॉल्स डाल देंगे, और उसके बाद जो बाकी वाला जो बैटर था उसको हम इसके ऊपर डाल के इन सब बॉल्स को अच्छे से कवर कर लेंगे। इस तरह से हल्का सा हल्की सी लेयर होनी चाहिए इसके ऊपर, जिससे कि ये बॉल्स अच्छे से पैक हो जाए, अच्छे से ढक जाए। इस तरह से हमारा ये सूजी आलू बॉल्स
के अप्पे बन के तैयार होंगे और उसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा घी और डाल देंगे और इसके ऊपर हम ढक्कन लगा के इसको धीमी आंच पर पकने देंगे। तो अभी हम ढक्कन हटा के देख लेते हैं कि हमारे सूजी अप्पा बॉल्स कैसे पके हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे अप्पे एक तरफ से बहुत अच्छे से सिक चुके हैं और बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो इसको हम सारे बॉल्स को हम पलट लेंगे और इसको हम एक बार फिर से कवर करके धीमी आंच पर पकने देंगे। फिर से ढक्कन हटा के देख लेते हैं कि हमारे जो अप्पे हैं वो बन के तैयार हुए या नहीं। तो फाइनली हमारे अप्पे अच्छे से पक चुके हैं। मैं आपको एक दिखाती हूँ, ये देख लीजिए बहुत ही अच्छा कलर आया है और हमने धीमी आंच पे पकाए हैं तो अंदर से भी बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और बहुत ही अच्छे अप्पे बन के तैयार हुए हैं। इसको हम आलू बॉल्स के अप्पे भी बोल सकते हैं। तो फाइनली हमारे अप्पे बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही टेस्टी बन के।